वही जो हमारा हैशटैग है इंडिया का डीएनए, क्या कहता है सर इंडिया का डीएनए आपके हिसाब से? इंडिया का डीएनए, इंडिया का डीएनए कहते हैं कि हम सब एक हैं। यानी डीएनए माने वो जो माइक्रोबायोलॉजिकल डीएनए, कौन सा? पॉलिटिकल डीएनए सर, पॉलिटिकल। हमारे डीएनए, पॉलिटिकल डीएनए। किसका डीएनए, मेरा या आपका? इंडिया का 2019 का पॉलिटिकल डीएनए। तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत मिलेगी ये तो मुझे निश्चित दिखता है। आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, खास वजह है कि पहले मैंने देखा है कि किस आधार पर एक सरकार दोबारा जीत कर आती है, उसका मैंने स्टडी किया हमारे देश में भी विदेशों में भी। जरूर कई चीज़ों में, कई आयामों में लोगों को नाराज़ी है हमसे, लेकिन मोदी को आज अभी तक कोई दोष नहीं दे रहा है। उनके नेतृत्व से प्रसन्न है और उनकी सरलता और उनकी कर्मठ और ये उनकी जो कर्मयोगी जो चेहरा बनी है, और मुझे लगता है कि हमारे देश के लोग बहुत आसानी से एक और बारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मनमोहन सिंह से भी ऐसा ही हुआ था 2009 में। और जो विपक्ष में हैं वो तो पता नहीं इधर उधर सब भाग रहे हैं, दो 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 तो तीन तीन कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढने में, और किसी को ये भी नहीं पता कि कहाँ से चुनाव लड़ना है। तो वो जो बिखराव दिख रही है उससे लोग कहेंगे कि हमारे इतनी बड़ी हमारे ऊपर आक्रमण हो रही है आतंकवाद का, तो इस समय में हमें कोई मजबूत सरकार चाहिए जो जवाब दे सकती है जो हमारे शत्रु हैं। उसमें मोदी का और बीजेपी का जो चरित्र है वो फिट होती है। ब्रांड मोदी, मतलब ब्रांड मोदी से भी ज्यादा बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है वो है। उसमें मोदी बीजेपी के नेता हैं तो ऑटोमेटिकली उनका भी बनता है। मतलब मैं अगर ये समझूं कि 2014 में ब्रांड मोदी, मोदी लहर, और 2019 में राष्ट्रवाद की लहर। नहीं, 2014 में भी ब्रांड मोदी नहीं था, ये तो आप अखबार वालों ने बना दिए। अच्छा, उस समय तीन मुद्दे थे। एक मोदी का जो उन्होंने विकास की बात कही थी, दूसरा था जो भ्रष्टाचार के जो केसेस मैंने दर्ज की थी और जिसमें 2G जैसे चीज़ों में कि इतने बड़ी घोटाला हुई है, विदेशों में इतना पैसा जमा है, वो सारी बातें। और तीसरा था कि हिंदुत्व, उसमें राम मंदिर, 370 हटाना, ये सारी चीज़ें बात मैनिफेस्टो में लिखी गई थी। इन तीनों के आधार पर हमारी मेजॉरिटी बनी थी। आपने अभी एक चीज का जिक्र किया, आपने कहा कि कुछ नाराजगी है। हाँ है। मैं उपलब्धियों पर आऊं, पहले अगर आत्ममंथन आप करना चाहें, आप बताना चाहें क्या नाराजगी आपको लगता नाराजगी है? नाराजगी तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है। वो जो संचालन फाइनेंस मिनिस्ट्री का हुआ है वो, उससे सबको दुख हुआ है, हम लोगों को भी दुख हुआ है। थोड़ी और रोशनी डालेंगे? हाँ, थोड़ी और रोशनी डालेंगे। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये GST, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। जो नए नोट्स को छापना चाहिए था एडवांस में, वो नहीं किया। और इंटरेस्ट रेट जो ब्याज के जो दर्ज हैं, दर्जा वो बढ़ते गया। उसके लिए रघुराम राजन को हटाने के लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। और फिर अरविंद सुब्रमण्यम तो पहले से मोदी के विरोधी थे, उन्होंने लेख भी लिखा था हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र बनने के पहले। और वो जो ड्रग कंपनी का वो काम करते हैं अमेरिका में, जो एक इंस्टीट्यूट है पैटरसन इंस्टीट्यूट, वहाँ रिसर्च स्कॉलर थे, वो ड्रग कंपनी का है जो दवाई हमारे देश में बेचने चाहता है, तो ज़्यादातर उसकी दिमाग उसी में चल रही थी। तो ऐसे लोगों के कारण, और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस हालत हुई है। अरुण जेटली से इस अति प्रेम की वजह कुछ? मेरा कोई प्रेम नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। इतना है कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, आपका ये प्रेम कई बार छलका है। मैं नहीं, प्रेम आपका प्रेम से मुझे संदेह होता है, तुम्हारे अखबार वालों का प्रेम से नहीं। सर, मतलब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि इकोनॉमिक्स की उनको जानकारी नहीं, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। तो क्या करूँ, ऐसे वित्त मंत्री पहले भी हुए हैं। चिदंबरम को भी इकोनॉमिक्स पता नहीं है,
वो भी वित्त मंत्री थे। हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो वो मनमोहन सिंह था। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। मैं बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं, बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। उसके आप ये कहते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली इकोनॉमिक्स नहीं जानते हैं, आपने कहा कि माल्या मिलकर गया जेटली से, आपने ये भी कहा कि चिदंबरम और इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही जेटली की वजह से, जेटली आपने बहुत कुछ कहा उनके बारे में, फिर भी आप पर कार्रवाई नहीं होती। नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है ये, आप लोग पता नहीं वो इंदिरा गांधी के जमाने से आज भी उस बीमारी में फंसे हुए हैं कि कोई भी कुछ नेता के बिना बोल देगा तो फिर वो पार्टी के लाइन के विरुद्ध में। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको मानना चाहिए, और जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं भले पार्टी के कई लोगों को पसंद ना आए परंतु तो पार्टी का विरोध नहीं होता है। मैं तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ, तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार आप तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा, ये डर है आप लोगों के दिमाग में। मैं तो पार्टी के हित में कर रहा हूँ ये सब। नहीं सर, अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी गिना रहे हैं। नहीं, लोग पसंद करते हैं इसको, कहते हैं कि ये सच्चा आदमी है, ये हमें धोखा नहीं देने के लिए चाहता है। और कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ कि ये रास्ते से मैं कहता हूँ, इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो, दूसरा है कि ब्याज रेट जो है, जो कर्जा देने के लिए ब्याज रेट है उसको रघुराम राजन ने बहुत बढ़ा दिया था, उसको 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि जो फिक्स डिपॉजिट की रेट है उसको कम करके 6% कर दिया, उसको दोबारा 9% करना चाहिए। तो मैंने पास रचनात्मक सुझाव भी हैं, उसका उसमें आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है इसीलिए आपको पता नहीं है। आप बुरा ना माने तो सर मैं एक सवाल नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं मांगूंगा, आप भी मत बुरा मानिए मैं कुछ कहूंगा। तो मैं सर बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूंगा। नहीं सर, मैंने इसलिए आपसे बोला ये क्योंकि इतने बागी नहीं कहूंगा, इतना खुलकर सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों, तुम क्या जेटली का चमचा हो? ठीक है सर, अरुण जेटली के बाद आपने ये भी कहा कि इकोनॉमिक्स ना सिर्फ जेटली, मोदी भी नहीं जानते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि मोदी बार बार कहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय माने जीडीपी वो छठा नंबर पर है। पहले था सातवां नंबर में, अब छठा नंबर हो गया। मैंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा था मोदी को कि इस कारण से छठा नंबर नहीं है, हमारी तीसरा नंबर है, अमेरिका चाइना के बाद हमारी नंबर है जीडीपी का, और जो जीडीपी के कैलकुलेशन है वो इस प्रकार करने चाहिए तभी तुलना हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको किसी ने बता दिया, आपने खुद इसको पता नहीं किया कि किस आधार पर ये छठा नंबर आप बताते हो। और फिर जिस मीटिंग एड्रेस करा तो लोगों ने कहा क्यों वो उन्होंने अपने को करेक्ट नहीं किया। मैंने कहा उनको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, उसमें कोई बुरा नहीं है, सबको इकोनॉमिक्स पता होना है ऐसा आवश्यक नहीं है, बट फाइनेंस मिनिस्टर को तो ज्यादा जरूर पता होना चाहिए ये इतना है, परंतु तो प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे लोगों से पूछ सकते हैं और उसके आधार पर करनी चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर जब वेंकैया नायडू ने कहा छठा देश हो गए हम, तो मैंने कहा गलत बोल रहे हो, ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में है, मैंने कहा तीसरा नंबर है हमारी। नहीं, फ्रांस को पछाड़कर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मैंने कहा ना तीसरा नंबर हमारी है, किसको पछाड़ा किसको नहीं इसमें मुझे चिंता नहीं। ठीक, अमेरिका नंबर वन, चाइना नंबर टू, इंडिया नंबर थ्री जीडीपी में। मोदी सरकार का प्रचार, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है चौकीदार,
मैं चौकीदार नहीं हो सकता। चौकीदार का काम है कि किसी को चोरी करने से रोकना। और मैंने कहा कि ब्राह्मण होता है ज्ञानी और त्यागी, कोई जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता हमारे देश में, होना भी नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया गीता में, पता नहीं आप गीता पढ़ते हैं कि नहीं, परंतु गीता में लिखा है स्पष्ट। और उसके आधार पर मैं चोरों जो चौकीदार पकड़ेगा उसको सजा कैसे दी जा सकती है उस पर मैं विचार कर सकता हूँ। ये पकड़ना का काम मेरा नहीं है, परंतु किसको पकड़ना चाहिए ये बताने का काम है। इसीलिए मैं चौकीदार नहीं बन सकता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ ये कहा था मैंने। मतलब कोई ब्राह्मण अगर है वो चौकीदार नहीं हो सकता? नहीं, फिर वो ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, वो फिर चौकीदार हो जाता है, दोनों नहीं हो सकते आप। ये मेरे को पता है, ये कंट्रोवर्सी, ये जातिवादी टिप्पणी नहीं है कि कोई ब्राह्मण चौकीदार? दोबारा शुरू कर दिया, अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जन्म से नहीं होता है। ये जो जाति चल रही है वो तो जाति और वर्ण में फर्क है, वो भी नहीं आप जानते हैं, यही प्रॉब्लम है। आपका पश्चिमीकरण बहुत हो गया है, थोड़ा भारतीयकरण करो अपने का। सर, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर देशवासी जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है वो एक चौकीदार है, भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर शख्स चौकीदार है, आज हर भारतीय कह रहा है मैं भी चौकीदार, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं सर? हाँ, उनकी परिभाषा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। चौकीदार का काम है जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, मेरा काम है कि किस प्रकार की चोरी कर रहा है, किसको पकड़ना चाहिए वो बताना, तो इसमें दोनों में फर्क है। तो मैं भी चौकीदार, आप नहीं है चौकीदार? मैं तो बिल्कुल नहीं चौकीदार हो ही नहीं सकता, मैं तो विचार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मंथन करता हूँ, मैं अपने दिमाग चला करके किस प्रकार से चोरों को पकड़ना है, कैसे सोनिया गांधी को बेल में निकालना है, राहुल गांधी को निकालना है, चिदम्बरम को बेल में बाहर लाना है, और शशि थरूर को करना है, कभी आप गलती करेंगे आपको भी अंदर कर दूंगा। सर, रॉबर्ट वाड्रा की आज शाम 4 बजे सुनवाई है। रॉबर्ट वाड्रा की अभी आज 4 बजे गिरफ्तार होंगे या नहीं? उसका भी होगा इलाज, पक्का है। अब कोर्ट में बारी देना, टाइम देना, वो तो कोर्ट का अधिकार है, हम ये नहीं तय कर सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट समय दे देती है, कभी कभी हमारे एजेंसीज भी कहते हैं कि एक और बैंक अकाउंट निकल रहा है उसके लिए अर्जेंटमेंट चाहिए, तो वो बेल दे देते हैं। बेल से ये नहीं है कि वो बरी हो गए, बेल के माने है कि एंटीसिपेटरी बेल, नहीं नहीं एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, ये तो बेल है जब सुनवाई होती है कि वो कहते हैं कि हमें इनको कमरे में बंद करके इनकी पूछताछ करनी होगी, इसको कस्टोडियल इंटरोगेशन कहते हैं। उसमें वो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं आया उसके लिए, जब आप वो बैंक अकाउंट, नई बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी लाओ उसके बाद करेंगे, तो आज हो सकता है वो हो जाएगा गिरफ्तार, उनको हाँ उनको गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए हो सकता। रॉबर्ट वाड्रा आज गिरफ्तार हो सकता है? हाँ, वो तो होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, जरूर होगा। आपको कोई चिंता है इस बात पर? नहीं सर, मुझे जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप बार बार पूछ रहे हैं इसीलिए मैंने। राहुल गांधी सर? राहुल गांधी भी बेल पर ही है, उसको दोबारा बेल में भेजना, दूसरा अपराध में बेल भेजना, इसमें ही काफी है, इसमें बहुत लंबा जाएगा वो, जब जाएगा तो अंदर सजा होनी चाहिए तब वो अंदर जाएगा। बेल पर सोनिया गांधी भी है सर? हाँ, सोनिया गांधी भी है, राहुल गांधी भी है, मोतीलाल वोरा भी है, पिट्रोडा भी है, सुमन दुबे भी है, ऑस्कर फर्नांडिस भी है, 7 लोगों को मैंने बेल में निकाला है। रॉबर्ट वाड्रा भी है? वाड्रा मेरे केस में नहीं है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है। तो सर, मैं कुछ बयान आपके पढ़ रहा था, आपने कहा कि राहुल गांधी एमफिल फेल है, हाँ, फेल चार है। चार पासपोर्ट है राहुल गांधी? हाँ है, बिल्कुल मैंने कहा था। ये सारी जानकारियां अगर आपके पास है तो वो खुले कैसे घूम रहे हैं सर? तो खुले घूमने कैसे मैं रोक सकता हूँ, उसने डिग्री में जो बेईमानी की है, कहा कि मैंने एमफिल पास हुआ है, जब जो पर्चा दिखाते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपा है उसमें तो लिखा है इकोनॉमिक्स में फेल, उसमें आप देखोगे ध्यान से, और नाम भी उसका बदला हुआ है, राहुल विंची है, राहुल गांधी नहीं है, राहुल विंची, हाँ RAUL राहुल, वो इटालियन राहुल है, और विंची भी इटालियन नाम है। तो एक पासपोर्ट राहुल विंची का भी है? वो भी है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पासपोर्ट।
वो तो अब जनेऊ दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र राहुल गांधी, आपको विश्वास हो गया है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं कैसे मानूंगा उसको? वो तो जिन्हों भी कैसा पहनना वो नहीं जानता, कपड़े के ऊपर पहनता है। तो ये धर्म परिवर्तन चुनावों की वजह से? नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। रात को सोमवार रविवार को वो उनके घर में छोटा सा चर्च है, उसका नाम है चैपल, छोटा चर्च का नाम होता है चैपल, वहाँ एक मलयाली बिशप आता है तो प्रायश्चित करता है। अच्छा, संडे वाले दिन प्रायश्चित होता है और छह दिन मंदिर अंदर धोखा होता है, धोखा होता है। अच्छा, तो ये सब क्यों आप लोगों ने सिखा दिया? मैं क्यों हिंदू बनना, मैं क्यों उसके दिमाग में क्या है, मैं क्यों जांच करूं? पहले दिमाग है नहीं, वो भी मैं जानता नहीं हूं। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी अयोध्या भी जा रही हैं, विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर सारे मंदिरों में लाल चुनरी, ये सब ये परिवर्तन, ये आप कह रहे हैं वो नहीं, हमने हवा ऐसी पैदा कर दी कि जो हिंदू का विरोधी है उसको वोट नहीं देना है, एक माहौल बन गया है और इस माने जात में लोग बढ़ते नहीं है। मैं वर्णा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जात की बात कर रहा हूं। जैसे जाट होते हैं शूद्र, परंतु उनकी विशेष किसान का काम है तो इसीलिए वो जात, किसानों का जात में है, तो जात और वर्ण में फर्क है। तो उनके जातवाद मैं नहीं जानता, वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, वो तो कहते हैं सुरजेवाला डीएनए उनका ब्राह्मण है। ठीक है, कहने दो, उसमें क्या दत्तात्रेय कॉल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु गुण से तो ब्राह्मण नहीं है, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं कितने एग्जाम्स फेल हुए हैं, और त्यागी तो बिल्कुल नहीं है, खूब मौज करते हैं, विदेशों में जाकर नाइट क्लब में घूमते हैं, तो ये ना ज्ञानी है ना त्यागी है, तो इसको ब्राह्मण मैं नहीं कह सकता। बट राहुल गांधी तो पीएम अपने आप को कह रहे हैं, वो कह तो रहे क्या है, कोई इस देश में कोई बंधन है कि पीएम आप भी कह सकते हैं? अगर चार पासपोर्ट होंगे तो कैसे सर? हाँ, उसके लिए केस होना चाहिए, मैंने होम मिनिस्ट्री को दिया था, पहले मैंने स्पीकर को दिया, सुमित्रा जी को, सुमित्रा महाजन को मैंने कंप्लेंट दिया था कि एथिक्स कमेटी में इसका फैसला होना चाहिए। वो गया तो अध्यक्ष हैं अडवाणी जी, उन्होंने उनको बुलाया था तो कहा कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका आप डिनाई करते हो। मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है, तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं, और पेश किया था उसको, और फिर उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अब मुझे अडवाणी के कमेटी के लोगों ने, मेघवाल जी थे, उन्होंने कहा ये तो उन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ऑथेंटिकेट हो गया, आप बताइए कि ये सही है झूठा है, वो मना कर दिया। अडवाणी ने इसको मीटिंग को स्थगित कर दी, फिर दोबारा कभी नहीं बुलाया, दो साल हो गए। फिर मैंने होम मिनिस्ट्री को भेजा, होम मिनिस्ट्री ने भी पूछताछ की और डॉक्यूमेंट सही थे, तो उन्होंने अभी पीएमओ को भेजा कार्रवाई के लिए, वहां पड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री से पूछे। नेशनल हेराल्ड मामले में सर दोनों जमानत पर हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो पहले कह दिया आपने, दोबारा कह रहे हैं, तो गिरफ्तारी गिरफ्तार देखो ये देखिए ये मैं कभी नहीं, कभी नहीं गिरफ्तार सर, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हम लोग 5 सालों से सुन रहे हैं सर, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, लैंड डील जाएंगे तो जरूर, बट 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, नहीं वो तो फिर वाड्रा के नाम पर वोट होगा। आपके हिसाब से कितना जल्दी जाना चाहिए आप बताइए? नहीं सर, अगर नहीं आप बताइए, 5 साल बहुत लंबा, 5 साल बहुत लंबा है, ये सब ब्लू जिसको लूज टॉक कहते हैं, 5 साल बहुत लंबा है, तो बताइए कितने साल के अंदर जाना चाहिए? ये हमारे कानून में जो लिखी हुई है कि आप अजॉइनमेंट मांग सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट पर इतराज कर सकते हैं, और उस पर आप लिखित में यानी आपत्ति जताने चाहते हैं, तो इस सब के लिए टाइम मिलती है, उसमें टाइम लग जाता है, परंतु बेल अब अवश्य नहीं है, किसी ने कहा नहीं, अभी भी बेल में है और चल रहा है,
और ऐसा जल्दी नहीं करना चाहिए कि फिर उसमें कई चीज छूट जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर वो बीच बीच में हर ऑर्डर जो पास होती है उसमें हाई कोर्ट जाते हैं, पहले सिंगल जज, फिर डिवीजन बेंच दोनों दो जज, फिर सुप्रीम कोर्ट, इसमें टाइम लगती है। अब हम प्रणाली को बदल दें और कोई तानाशाही के देश तानाशाही जहाँ चलती है वहाँ उसके अनुसार चले, ऐसा तो हो नहीं सकता, लोकतंत्र में ये होता है, अनेक देशों में ऐसा होता है, इंग्लैंड में कितना देरी हो रहा है देखो, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, वो इसीलिए कि वहां भी सिस्टम ऐसी है, अडजस्टमेंट दे देते हैं। प्रियंका गांधी आपको लग रहा है मास्टर स्ट्रोक होंगी, अब वो कह रहे हैं कि गेम चेंजर, कौन कहता है? प्रियंका, कांग्रेस कहती है। कांग्रेस तो कहेगी और क्या कहेगी, सवाल है आप कहते हैं कि नहीं, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिसका मैं कोई महत्व ही नहीं समझता हूँ, गेम चेंजर मैं क्यों इसका जवाब दूं, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। ये आई प्रियंका गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा और ना कोई फर्क पड़ा अभी तक, न्याय से फर्क पड़ेगा सर, न्याय योजना जो आए 72,000 रुपए, वो उसमें तो जो मैंने देखा है उसमें कोई गणित है ही नहीं, इसमें जो भी उन्होंने सर्कुलेट किया उससे सब इतना देंगे इतना करेंगे, 6,000 महीना और इसके माने 12 महीने में 72,000, ऐसे लिखा है, कहाँ से लाएंगे? इसमें कुल कितना लगेगा? लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए, कहाँ से आएगा नहीं बताया, तो इसीलिए वो टैक्स लगाएंगे तो बता दें कि हम टैक्स लगाएंगे अमीरों पर और इससे वसूल करेंगे, वो भी नहीं कहते, तो उसमें कोई योजना ही नहीं है, तो ये अरुण जेटली जैसा एक कोई प्रपोजल है। ठीक है सर, अब आपके सर फेवरेट मुद्दे पर, मंदिर पर सर, आप 16 तारीख को बुलाया गया है, 16 तारीख को वो जो समिति बनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि मैं पार्टी हूँ, हर पार्टी को बुला रहे हैं तो मुझे भी बुला रहे हैं। मीडिएशन से लगता है हल हो पाए? नहीं, मीडिएशन से नहीं हो, मीडिएशन का परिभाषा पहले साफ कर लीजिए, मीडिएशन में तब होती है जब मुझे कोई जगह है छोड़ने के लिए और आपके पास जो प्रतिद्वंदी है उसके पास कोई जगह है छोड़ने के लिए। यहां क्या है कि राम लाला जहां पैदा हुए वो आस्था के अनुसार एक जगह है, वो कोई कानून इसका चुनौती नहीं दे सकता, कोई संविधान या कोई विधि इसका चुनौती उस पर हो नहीं सकता। बड़ी संख्या में लोग किसी चीज पर आस्था रखते हैं, वो संविधान में भी लिखा है कि लिबर्टी एंड फेथ, माने अपनी आजादी या स्वाधीनता और आपकी आस्था, ये दोनों बराबर मूलभूत अधिकार होते हैं और इस पर चुनौती नहीं दे सकते। तो यहां तो करोड़ों लोग समझते हैं कि जहां एक जो मध्य गुंबज थी उसमें वही जगह था जहां राम पैदा हुए, जगह हमारी आस्था है, और दुनिया में ऐसे जगह बहुत हैं जो अन्य उनके इन्हीं अन्य देवताओं की उनके धर्म की देवताओं के बारे में, जैसे जीसस क्राइस्ट बेटलहम में पैदा हुए, बेटलहम में एक छोटा सा, बेटलहम तो इज़राइल में है, वो एक छोटा सा जगह है पहाड़ी जगह, वहां वो कहते हैं कि यहां पैदा हुए, पहले कहते हैं कि उसकी माँ गर्भिणी हुई परंतु कोई उसका पिता नहीं था, इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं, उसमें भी आस्था है, कोई उसकी मजाक नहीं करते हैं। और दूसरा है कि वहां पैदा हुए इटली में, माने रोम में जो राजा था उनकी माँ को एक स्वप्न में वो जगह दिखाई पड़ी और फिर वो इटली छोड़कर आई और कहा कि ये जगह क्राइस्ट पैदा हुए, उस दिन से सारे क्रिश्चियंस मानते हैं कि वहां क्राइस्ट पैदा हुए। मुस्लिम भी ऐसे ही हैं, जैसे अलक्सा मॉस्क है, कहते हैं 5 मुल्ला खड़े थे और मोहम्मद आए घोड़ा में और फिर स्वर्ग वहां से चले गए, तो अलक्सा मॉस्क को वो यानी धर्म के एक स्थल मानते हैं। तो ऐसी चीजों में हम लोग मानते हैं कि राम वहां पैदा हुए,
और कहीं नहीं पैदा हुए, कोई और कोई नहीं कहता दावा करता कि राम यहां पैदा हुए। और जो मस्जिद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है और यही हम मुस्लिम देशों में भी मान्यता है कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने का जगह है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो हम तो हट नहीं सकते क्योंकि राम एक ही जगह में पैदा हुए, वो हट सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए दूसरा जगह में मस्जिद बना सकते हैं। वैसे भी राम जन्मभूमि के आसपास कोई मुसलमान है ही नहीं, बगल में अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट है, अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट है, वहां मुसलमान है। और अभी भी 17 मस्जिद बंद पड़े हुए हैं अयोध्या में, वहां गाय भैंस को रखा गया है। तो मस्जिद वहीं बनना चाहिए जहां मुसलमान हैं। और मेरे ख्याल से आपने इससे पहले भी, मैंने आपसे बात करी थी, आपने जिक्र किया था कि नरसिम्हा राव सरकार ने भी एफिडेविट दिया। हाँ, वो अतिरिक्त है। हाँ, वो मैं आ रहा हूं उसमें। तो मस्जिद हटाया जा सकता है, मुसलमान तैयार हो जाए तो समझौता हो जाएगी। दूसरा है कि ये जमीन तो कभी नहीं मुसलमानों को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इसकी राष्ट्रीयकरण कर ली है, नरसिम्हा राव सरकार ने की थी। राष्ट्रीयकरण का चुनौती इस कोर्ट में नहीं दे सकते हो, क्योंकि भूमि सुधार के टाइम से जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान में संशोधन किया कि भूमि अधिग्रहण हो या उसकी सरकार राष्ट्रीयकरण कर दें तो वो कानून के बाहर है, संविधान के बाहर है। उस पर एक ही चुनौती दे सकते हैं कि हमें मुआवजा सही नहीं दिया। तो ये जो लड़ाई हो रही है उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट कल कह भी दें कि सुन्नी वाकफ बोर्ड का ये टाइटल है, मालिक तो ये है, तब भी उनको जमीन नहीं मिलेगी, ये सरकार के हाथ में है। मुआवजा दे सकते हैं, निर्माण कर दो, मुआवजा दे दो। हाँ, मैं तो कहता हूं कि अभी ही निर्माण कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने गलत की, उनके सलाहकार गलत सलाह दी थी कि ये जमीन जो पड़ी हुई है उसको उन्होंने जिन जो पहले मालिक थे जी, और या कोई प्राइवेट पार्टी को देने के लिए हमें अनुमति दे दीजिए, ऐसा एक याचिका पेश की थी अभी। ठीक, लेकिन पेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मालिक तो सरकार है, सरकार किसी को भी दे सकती है राष्ट्र हित में, और उनको देना चाहिए था। ठीक सर, और उन्होंने गलती से परमिशन मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको किनारे में रख दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि उनको कोई परमिशन देने के कोई अधिकार नहीं है। तो मैं कहता हूं, और आपने एक और बात कही थी, नरसिम्हा राव ने कहा था, आप जानते हैं कि मैं नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री पद में था जी जी, और उन्होंने मुझे लंबी चिट्ठी लिखी, मस्जिद बनी, तोड़कर बनी ऐसा नहीं कहते हैं, बाद में बनी, कोई स्ट्रक्चर है तो पहले मंदिर था, इसको प्रूफ आ जाए, और उसके बाद मस्जिद बनी, इसका भी प्रूफ मिल जाए, तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को कहा नरसिम्हा राव। हाँ, नरसिम्हा राव सरकार ने। ठीक, और उसको एफिडेविट में बदल के सॉलिसिटर जनरल ने पेश भी की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। और आज तो वो सिद्ध हो गया, 2004-05 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने सिद्ध कर दिया। तो इसीलिए ये तो निश्चित तौर पर हिंदुओं को मिलेगी और राम मंदिर निश्चित बनेगी। ठीक, सरकार नहीं बनाएगी तो मैं बना दूंगा, ये मैं कहता हूं। मुझे आगे बढ़ना होगा क्योंकि अबू आसिम आजमी, शाजिया एलमी और अनुप्रिया पटेल जी आ गई हैं। अगला सेशन होगा, लेकिन आखिरी सवाल जाते जाते एक आखिरी सवाल। तीन कोर इश्यूज थे सर जब बीजेपी सत्ता में आई थी, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर। तीनों ही 5 साल प्रचंड बहुमत के बावजूद तीनों ही अभी तक न मंदिर न 370 न यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बट कौन आएगा ये करने वाला? करने वाला तो हम ही हैं, देरी से भी करें तो करेंगे हम ही जी। ये कांग्रेस तो कभी नहीं करेगी, ये खिचड़ी जो आ रही है वो भी नहीं करेगी। तो इसीलिए लोगों को कहना चाहिए ओके माफ कर दो इस बार, अगले बार निश्चित होगी और एक और बार हमें दीजिए। मतलब माफ कर दो इस बार, एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।